जय हिंद। मैं कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे और मेरे साथ मेरे गुरुदेव, मेरे पतिदेव सिद्धार्थ दवे जी, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं यहाँ द्रास मेमोरियल से। 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे वीरों ने अपनी जान इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए दी। इस इम्पोर्टेंट माइलस्टोन को कवर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मैंने और मेरे पतिदेव ने कारगिल विजय ज्ञान यात्रा का आरंभ किया। सूरत गुजरात से लेके हम वडोदरा, जयपुर, श्रीगंगानगर, अमृतसर, भटिंडा, जम्मू, श्रीनगर से होते हुए कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या में द्रास मेमोरियल तक पहुंचे। इस 25 दिवस की यात्रा 2500 किलोमीटर हमने तय की इस 25 वर्ष को मनाने के लिए। इसका कारण ये था क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी हर दिवाली, अपना हर इम्पोर्टेंट दिवस जो है जवानों के साथ बिताते हैं, तो मैं तो उसी परिवार के हूँ, हम उसी परिवार के हैं, हम वो इमोशन भलीभांति समझते हैं। मैं आपके सभी दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहती हूँ कि आर्मी जो है, इट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। हम जब बात कर रहे हैं आज अग्निपथ की, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट पॉइंट बोला कि आज हम जब युवा की बात कर रहे हैं, हमारा देश सबसे युवा देश है, और जब हमारे देश के युवा, क्या कोई भी ऐसा देश चाहेगा कि देश के युवा किसी गलत रास्ते चढ़े, ड्रग एब्यूज में चढ़े? अग्निपथ स्कीम ये ऐसी एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हमारे देश के लिए, जहां हमारे देश के युवा इस यूनिफॉर्म को धारण कर रहे हैं, इस वे ऑफ लिविंग को सीख रहे हैं, अपने राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। जब 4 वर्ष के बाद वो योग्य है और आगे काबिल है काम करने के लिए, वो आगे सिलेक्ट हो रहा है। किंतु अगर जो भी सैनिक आगे नहीं जा पा रहा, वो अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ के लर्निंग्स लेके जा रहा है, क्योंकि एज आई मेंशन, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर एंड आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। मैं गारंटी देती हूँ, आप एक अग्निवीर को हजारों की भीड़ में भी ढूंढ पाएंगे 4 साल यूनिफॉर्म से निकलने के बावजूद भी, क्योंकि ये एक आर्मी की, आर्म फोर्सेस की सिखलाई है। तो हम अपने देश के युवा को एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं, हम अपने देश को सशक्त कर रहे हैं। ईश्वर ना करे अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तब हमारा देश तैयार होना चाहिए कोई भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। हर एक नागरिक जो है वो देश का सैनिक होता है, और ऐसे में जब उसको सच में ये यूनिफॉर्म पहनने का गर्व मिलता है, तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती, और इस पे कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।